A day after Pakistan border action team violated ceasefire in Poonch district again and mutilated dead bodies of two Indian soldiers, a wreath lying ceremony was conducted at Poonch. Mortal remains of Naib Subedar Paramjit Singh and BSF head constable Prem Sagar were sent to their native place in Punjab and Uttar Pradesh respectively, and last rites will be conducted today. A brief wreath lying ceremony was conducted at Poonch in honor of the martyrs. देखिए, हमारे पास जो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई है अभी फ्रॉम आवर सोर्सेज एंड आर्मी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस एंड फ्रॉम द रोजा एंड बटल पोस्ट्स ऑफ एनिमी पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान साइड, जिसमें इनिशियली 3 इंजरीज हुई थी और सबको एयरलिफ्ट किया गया था। तो उसमें 200 बटालियन बीएसएफ के हेड कॉन्स्टेबल प्रेम सागर एंड 22 सिख के नायब सूबेदार परमजीत जो है ये सकम कर गए अपनी इंजरीज को। देखिए, इसको हम अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते हैं कि वेदर इट वाज इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट और क्या था, बट मोस्टली हम ये कहेंगे कि दिस वाज अ सीज फॉर वायलेशन जिसके तहत ये दो लोगों की डेथ हुई है और एक कॉन्स्टेबल जो है हमारा इंजर्ड है बीएसएफ का।